दोनों तरफ से मौजूद हैं और वो बीच बचाव कराया। तो अब भी इसी किस्म का माहौल है और नाराबाजी जो है की जा रही है हुकूमती अरकान इमरान खान के हक में, जबकि अपोजिशन अरकान जो है वो हुकूमत इमरान खान के खिलाफ शदीद नाराबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कहना चाह रहा है। तो इतना ज्यादा शोर है इस हाउस के अंदर और क्योंकि स्पीकर इंतजार कर रहे हैं इसलिए अब माहौल जो है उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा और जैसे ही अभी गिनती का अमल होता है उनके पास और फिर ये माहौल जो है ये अफसोसनाक हो जाता है कि जब अवामी नुमाइंदे हैं ये तमाम के तमाम बड़े ओहदों पर बराजमान तमाम के तमाम लोग हैं, लेकिन जब सिचुएशन इस तरह की डेवलप होती है कि जहाँ पर गर्मा गर्मी हो जाए, शोर शराबे का आगाज़ हो जाए, हाथापाई तक मौजिज ऐवान के मौजिज मेंबरान के दरमियान हो जाए, तो फिर यहाँ पर अफसोस होता है कि क्या सिचुएशन हो रही है। लेकिन चलिए बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पर यह हाथापाई होने जा रही थी, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ के मेंबरान बड़े अलर्ट मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बहरहाल शोर शराबा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पीकर साहब भी जब से आगाज़ हुआ है तब से ही नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बिलावल साहब के लिए यहाँ पर स्पीकर साहब के पास आकर बातचीत शुरू हो गई थी, उस वक्त उनको नाराज़गी का इजहार करना पड़ा। फिर यहाँ पर जब गिनती का अमल हो रहा है, जब हेड काउंट किए जा रहे हैं, उस वक्त भी अगेन फिर ये मुर्तजा जावेद अब्बासी और मुराद सईद साहब के दरमियान हाथापाई तक होने जा रही थी, लेकिन फिर रोकने की कोशिश जो आसपास लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बीच बचाव कराने की कोशिश की गई है। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि ये मंजर देखकर बड़ा अफसोस होता है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, बड़े ओहदों पर बराजमान लोग हैं, मौजिज ऐवान के अंदर मौजूद लोग हैं, ऐवान बाला के लोग हैं, ऐवान जेरी के लोग हैं, लेकिन जब इस तरह से आपस में जब कहीं पर आपको अपनी मुखालफत में हार का सामना करना पड़ रहा हो, दूसरी जानब हुकूमत के लोग जिनने जो जीत का इस वक्त सामना कर रहे हैं, तो अजब किस्म का ये माहौल पैदा हुआ है। यहाँ पर गर्मा गर्मी हुई है, शोर शराबा हो रहा है, एक दूसरे को ताने तुशने वाली सिचुएशन भी यहाँ पर पैदा हो गई है। अदनान साहब, हम इस सिचुएशन को भी सर डिस्कस करते हैं, ये हमेशा बड़ी तकलीफ दे, बड़े अफसोसनाक हो जाता है कि जब आप हार की जानब गामजन होते हैं या जो आप चाह रहे होते हैं आप नहीं हासिल कर पा रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद सिचुएशन इस तरह की हो जाती है। सर एक दूसरे की तरफ करवा दूंगा, याद रखे मैं पहले कहता हूँ कि राइट पे जो है ना हुकूमत जाए और अपोजिशन जाए, लेफ्ट पे नोज में जाए, दो मिनट के